जितना अल्लाह ताला आपके लिए लिखा है। अल्लाह अकबर। मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ और नमाज के बाद कुरान शरीफ भी पढ़ता हूँ। फिर जब नमाज कुरान शरीफ पढ़कर जब सोता हूँ तो मैं तरह तरह के ख्वाब पढ़ते हैं, जैसा कोई हिंदू ख्वाब में लगातार है। जब भी रात में नहीं पढ़ते, मैं रात में पढ़ते थे, मगर मैं हैदर कुर्सी और थोड़े नमाज पढ़ता हूँ तो नहीं पढ़ता, सुबह में जब सोता हूँ फजर के बाद पढ़ता हूँ। अच्छा, ये तो पर्सनल केस है जिसके ताल्लुक से कोई चीज का असर इंसान के लिए होता है, तो उसके एक सिम्टम्स में से आप एक सिम्टम जिक्र करें। उसके साथ साथ कमर में दर्द शरीफ होता था और सर में कभी 3 इंच वाले जैसा सर में घूमता और कभी कभार नींद से एकदम चमक के झटका लेकर होता, ये पूरे सिम्टम्स एक सेहत के हैं। आप इंशाल्लाह कार्ड ले लीजिए वहाँ से और गप करें इंशाल्लाह आपको। वो तो इंडिविजुअल मसला है मगर उसके अलावा है, बेशक नमाज के वक्त शैतान तंग करता है इंसान को, ताकि ईमान वाले का हथियार अल्लाह से नमाज है और कुरान है, तो ये 2 चीजों से आपको दूर कर दिया तो वो जोरदार हो जाता और आपकी गफलत की सजा का अल्लाह ताला के दबाव आपके ऊपर आ जाता, तो वो अपना मजबूती पोजीशन इस तरह बनाता। मगर आप जब नमाज के ऊपर पाबंद रहिए, दुआ कसरत से करिए, अल्लाह ताला से कभी मायूस होना उम्मीद मत रखिए, इंशाल्लाह आप इंडिविजुअल वर्क कर सकते। वक्त की तंगी की वजह से इंशाल्लाह तबारक ताला, क्योंकि सवाल आ रहे हैं कि काफी देर हो गई, वक्त से सवाल आ चुका है, तो इंशाल्लाह जो कुछ भी आपको सवाल करना है तो फोन पर रابطہ पैदा कर सकते हैं, और जितने भी ये सवाल आप लोग भेजे हैं तो मैं इंशाल्लाह 1 हफ्ते के बाद अल्लाह ने चाहा तो आपको CII की वेबसाइट पे सवाल मौजूद मिलेंगे। एक आखिरी सवाल बहनों की तरफ से और एक आखिरी सवाल भाइयों की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। सवाल से पहले एक बार, हुमायूं नगर से तारिक अली जिनके वालदा इंतजार करे बहुत देर से। किसका नाम? तारिक अली, हुमायूं नगर से। तारिक भाई बाहर चले जाइए दरबार में। सवाल है बहनों की तरफ से, गुस्ल खाने में गुस्ल करते वक्त काबतुल्ला दिखाई देना, इसका क्या मतलब है? गुस्ल करने के वक्त पहली चीज आपको मालूम होना चाहिए, वसवस से बहुत से शक्ल में आते हैं और इंसान के अंदर तसव्वुर बहुत से पैदा होते हैं। कभी कुछ ऐसे तसव्वुर होते हैं जो इंसान कसम भी नहीं करता, तो वो वसवस से शैतान की तरफ से होते हैं। तो खला की दुआ पढ़ के दाखिल हो जाए उसके लिए बेहतर है, और हमेशा वसवसों को दूर करें, क्योंकि शैतान के वसवस से सिर्फ तसव्वुर से आते हैं, अल्लाह ताला उसको माफ कर देता है। इंसान दिल में सिर्फ तौबा कर देना जरूरी है। आखिरी सवाल, मेरा सवाल ये था कि जिनको कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता और उनको नमाज पढ़ना नहीं आता, वो लोग क्या करें? जादू कर सकते हैं, वो लोग सीखना चाहे, क्योंकि जिंदगी में अल्लाह ताला पैदा किया आपको उसकी चीज, उस चीज के लिए। जिंदगी में कारोबार जमाना आता, घरदार चलाना आता, मुख्तलिफ चीज आता, पैदा क्यों है? अल्लाह ताला पैदा किया उसकी बढ़ाई के लिए। जो चीज नहीं आती उसको सीखते हैं, कारोबार में जो हुनर बढ़ाना है उससे नई नई टेक्निक आप इस्तेमाल करते हैं, तो फिर क्या हुआ? दीन के लिए हम जिसके लिए पैदा हुए, नमाज एक ही आसान तरीका है सीख ले सकते हैं, और जो कुरान पढ़ना नहीं आता, पढ़ने के लिए सीखने के लिए वो वक्त आप नहीं निकाल सक रहे हैं, तो थोड़ा तो भी जितना हो सका आपसे अल्लाह के वास्ते ये चीज निकालिए जरूरी है, मगर सुन तो सकते कैसे सुनने वाले नहीं है, सुनने में कोई हर्ज नहीं, सुन सकते, अगर जहीन है नहीं पढ़ सकते, आंखों की कमजोरी उन्हीं के लिए, उन्हीं के लिए अगर कुछ इंडिविजुअल केस है वो आप मिक्सर अप कर सकते हैं कैफियत देने के लिए, क्योंकि हो सकता है आप इंडिविजुअल केस के बारे में बात कर रहे हैं, मैं आम तौर से बात कर रहा हूँ जिसमें उमूमी तौर से जिसको ये चीज नहीं आती नमाज, तो फिर उन्हें पैदा हुआ अल्लाह की बड़ाई के लिए, और नमाज सबसे अहम रुकन है जिसके बारे में इंसान को कामयाबी का रास्ता अमाल में सबसे पहले खुद उसकी है। पैदा हुए नमाज नहीं पढ़ेंगे, ईमान भी लगने लगेगा, तो फिर पैदा होने के मकसद ही नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही बोलते आने के बाद अल्लाह ताला आपको ये किताबें नाजिल किया, कुरान और पिछले किताबें अंबिया को भेजा, काफी दावत आपको आई कि अल्लाह की बड़ाई के लिए आपको पैदा किया गया, और उस अमल में आप अपने आप को पाबंदी कीजिए। एक जरूरी ऐलान समाप्त फरमाइए, शेख जफरुल हसन मदनी का इंशाअल्लाह तबारक ताला जुमेरात के दिन 23 अक्टूबर बाद नमाज ईशा मस्जिद तक्वा में बयान होगा 8:30 से, और जो हजरात यहाँ पर आए हैं और शिरकत करे हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग इस जलसे में शिरकत करें।
और शेख के लिए दुआ कीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन अल-बहरानी शेख ने हमें बहुत सारे मालूमात से इस्तेफादा उठाने की तौफीक अता फरमाया, हमको इस चीज से हमको दुआ कीजिए। पाशा भाई के वाला जो बाबा नगर से आए हैं उनके लिए इंतजार कर रहे हैं बाहर, बड़ा कर हमको बाहर चले जाए। जो भी हजरत यहाँ से जाना चाह रहे हैं अपने इलाज और दुआ की किताब या सूरह बकरा या सीडियां या दर्स की सीडी भी अल्हम्दुलिल्लाह वैसे अवेलेबल है वहाँ पर, और बाद में जो लेना चाह रहे हैं सीडी वहाँ पे सीआईएस से भी हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुस्तफीद होकर और दूसरों तक ये इल्म पहुँचाइए, अल्लाह ताला आपको दूसरों की हिदायत का आदर भी देगा। टाइम तो आप लोगों का मुझसे पहले के बात से आगे दूर है और ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा, अल्लाह ताला से गुजारिश करती हूँ। आप जो काम कर रहे हैं वो काम तो जो है कोई भी जमाने में नहीं कर रहा, कि जमाने जिस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगी कि जो सही इलाज आप जो कर रहे हैं तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने शिरकत इस काम को आगे बढ़ा रही है। इलाज मैं नहीं करता हूँ, इलाज मैं सिखा देता हूँ जो अल्लाह ताला कुरान में सिखाया नबी सिखाया, और शफा अल्लाह की तरफ से होती है, हमारे तरफ से कुछ भी नहीं है। ये चीज को अवेयरनेस में लाना, पब्लिक के अंदर शुरू पैदा करना, लोगों को बचाना ऐसी चीजों से, आपका भी रोल है। जितने भी सीढ़ियां हैं आप लेके तकसीम कर सकते हैं, कम से कम जो रखे नहीं हुए उनको हिदायत का सामान दे सकते हैं, और जो किताबें दुआ के हैं उसको भी तकसीम कर सकते हैं, और जो भी ये भलाई में हिस्सा लेना चाहे वो पर्सनल रब्ता कर सकते हैं ताकि इसमें शेयर करके यहाँ पे भी अपन अल्हम्दुलिल्लाह वो कर सके। इसी आइए क्योंकि आप जो इलाज कर रहे हैं वो इलाज कर रहे थे, अभी लोगों को ट्रेन करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इलाज आप खुद सीख सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं, कोई खुशी नहीं है, मगर हिदायत सही होना, दुनिया कुरान और सुन्नत पे चलने की कामयाबी मिलना, वो हमारे से मौसम मोहम्मद वहाँ भी जाकर जो मैं उनसे सवाल नहीं ले सका मैं, और जो खवातीन सवाल करने के लिए आए थे मगर क्योंकि 11 बज गए टाइम के अंदर, मगर इंशाल्लाह अगर इंकार हुआ तो आइंदा एक जलसा कुछ वक्त के बाद इंशाल्लाह, और सवाल पूरे मौजूद है, और जो भी पर्सनल आपके लिए मैंने बताया था तो बाहर जो पर्चा है इलाज और जादू का इलाज वो पर्चे के अंदर मेरा एड्रेस और फोन नंबर भी है, ले सकते हैं इंशाल्लाह। गैलेक्सी थिएटर के सामने जो फंक्शन हॉल है प्राइमरी फंक्शन हॉल, वहाँ पर हर ट्रेनिंग कैंप रहेगा। इस कैंप में ट्रेनिंग यासर जावी साहब देंगे, तो जो लोग भी हज के लिए जा रहे हैं जितने भी हाजी हैं तो ये ट्रेनिंग कैंप अटेंड कर सकते हैं। جزاك الله خير الدنيا والآخرة سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك